कैसे हैं आप लोग दोस्तों। एंड्रॉइड क्यू आ चुका है और इसका बीटा वर्जन रिलीज हो चुका है। वैसे दोस्तों इसमें कोई ज्यादा बड़े अपडेट नहीं है जो इसके अल्फाबेट अपडेट में हुआ करते थे, जैसे नोगटिया पाई में। और मैं और आप लोग हम सब ये चाहते थे कि इसमें कुछ बड़े अपडेट्स हों और कुछ नए चेंजेस आए, पर ऐसा कुछ भी नहीं है और इसमें काफी छोटे छोटे चेंजेस हैं। पर जो लोग एंड्रॉइड को डेली यूज करते हैं वो इन्हें जरूर पसंद करेंगे। वैसे अभी दोस्तों सिर्फ बीटा वन वर्जन आया है जो सिर्फ पिक्सल फोन्स के लिए अवेलेबल है, और ये अभी बीटा वर्जन है इसलिए इसमें अभी काफी बग्स हैं। तो मैं ये सलाह नहीं दूंगा कि आप इसे अपने मेन डिवाइस पर इंस्टॉल करें, पर अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो दोस्तों अगर बात करें इसमें आए चेंजेस की, तो कुछ लाइट थीम चेंजेस हैं जिसमें आपको थीम चेंज करने के कुछ ऑप्शंस मिलते हैं जो काफी मजेदार हैं। अगर आप सेटिंग्स के अंदर डेवलपर ऑप्शन में जाते हैं तो सबसे नीचे जाने के बाद आपको एक थीम सेक्शन मिलेगा जिसमें आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे एक्शन कलर, फॉन्ट और आइकन शेप। एक्शन कलर काफी अच्छे हैं, इसमें आपको कुछ प्री डिफाइंड ऑप्शंस मिलते हैं कलर सिलेक्ट करने के लिए, जिसमें आपको ग्रीन, पर्पल या ब्लैक जैसे कलर ऑप्शंस मिलेंगे। और अगर आप इसमें से कोई कलर चूज करते हैं तो वो आपको सेटिंग्स, टॉगल और बाकी छोटी छोटी जगह पर दिखने को मिल जाएगा। इसमें आप अपनी मर्जी से तो कलर चूज नहीं कर पाएंगे, पर कम से कम आपके पास कुछ ऑप्शंस तो अवेलेबल हैं, वही काफी अच्छी बात है। इसके अलावा फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, और तीसरा ऑप्शन है आइकन शेप चेंज करने का, ये भी काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। इसमें आप नॉर्मल सर्कल, स्क्वायर सर्कल या फिर टीयर ड्रॉप में से चूज कर सकते हैं जो आपके आइकन्स का डिजाइन चेंज कर देगा, जो भी होम स्क्रीन या फिर क्विक सेटिंग्स में है। कहने का मतलब यह है जहां भी आइकन है वो सब चेंज हो जाएंगे। अगर आपको सर्कल आइकन पसंद नहीं है तो अब आप कम से कम उन्हें चेंज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि चूज करने के लिए आपके पास कई ऑप्शंस भी हैं। वैसे मुझे नहीं पता कि एंड्रॉइड क्यू में फ्यूचर में कोई डार्क मोड जैसा ऑप्शन आएगा या नहीं, पर अगर आप एंड्रॉइड क्यू के बैटरी सेवर में जाते हैं और अगर आप बैटरी सेवर को ऑन करते हैं तो आपका फोन सिस्टम वाइड डार्क मोड में चला जाता है, और ये एंड्रॉइड पाई के बैटरी सेवर के डार्क मोड से काफी ज्यादा अच्छा और डार्क है, जो ओलेड डिस्प्ले वाले फोन्स की काफी ज्यादा बैटरी सेव करेगा। ये क्विक सेटिंग, रीसेंट ऐप और बाकी जीयूआई चीजों को ब्लैक कर देता है और दिखने में भी काफी अच्छा है। वैसे तो आप डार्क मोड के लिए बैटरी सेवर को हमेशा ऑन नहीं रखना चाहेंगे क्योंकि ये काफी फीचर्स को बंद कर देता है, पर बड़ी बात यह है कि इसमें काफी ज्यादा चेंजेस हैं। और दूसरा सबसे बड़ा चेंज है कि अब आप और ज्यादा अच्छे तरीके से ऐप परमिशंस को कंट्रोल कर पाएंगे, जो काफी यूजफुल भी है। वैसे तो काफी जरूरी था, पर इस बार लगता है कि गूगल इसे अलग ही लेवल पर लेके चला गया है। तो अगर हम बात करें लोकेशन की, और अगर आप फर्स्ट टाइम किसी ऐप को ओपन करते हैं और आपसे वो लोकेशन रिक्वेस्ट करता है, तो अब आपको ये तीन ऑप्शन देगा, ओल्ड टाइम, नेवर या फिर व्हेन ऐप इज रनिंग, और आप इन तीनों में से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये बिल्कुल iOS की तरह है और मुझे खुशी है कि ये ऑप्शन यहाँ अवेलेबल है। नंबर थ्री है नई नोटिफिकेशन फंक्शनलिटी। अगर आप करंट एंड्रॉइड का वर्जन जो एंड्रॉइड पाई है उसे देखें और अगर आपको उसमें नोटिफिकेशंस बंद करने हैं तो आप दोनों तरफ स्वाइप करके नोटिफिकेशन रिमूव कर सकते हैं, और अगर आपको नोटिफिकेशन सेटिंग्स खोलनी है तो आपको हाफ स्वाइप, करीब हल्का सा स्वाइप करना होगा तो आपको नोटिफिकेशन सेटिंग्स मिल जाएंगे। पर ज्यादातर क्या होता है कि सेटिंग्स खोलने के चक्कर में नोटिफिकेशंस क्लीन हो जाते हैं कुछ ज्यादा लंबा स्वाइप होने की वजह से। इसीलिए एंड्रॉइड क्यू में एक नया फीचर है कि अगर आप लेफ्ट की तरफ स्वाइप करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन सेटिंग्स मिलेंगी, और अगर आप राइट की तरफ स्वाइप करेंगे तो आपके नोटिफिकेशंस क्लीन हो जाएंगे। तब लेफ्ट की तरफ स्वाइप करने से नोटिफिकेशंस क्लीन नहीं होंगे। कहने में तो काफी सिंपल चीज है पर काफी काम आने वाली है। नंबर फोर है शेयर शीट। तो दोस्तों अगर आप करंट एंड्रॉइड फोन की शेयर शीट को ध्यान से देखें तो शेयर बटन पर क्लिक करने के बाद जब शेयर शीट ओपन होती है तो उसके कुछ देर रुकने के बाद रिसेंटली यूज्ड शेयर ऑप्शंस आपको दिखते हैं, पर अब सारे ऑप्शंस एक साथ लोड होंगे और इनमें कोई डिले नहीं होगा। ये एक छोटा सा चेंज है पर काफी लोगों की परेशानी दूर करेगा, क्योंकि शेयर शीट काफी प्रॉब्लम खड़ी कर रही थी। क्योंकि अगर आप कुछ शेयर कर रहे हैं और आपको रिसेंटली यूज शेयर ऑप्शन यूज करना है तो या तो आप उसे नीचे शेयर शीट में ढूंढिए या फिर वेट करिए शेयर शीट के पूरी तरीके से लोड होने का। इसमें थोड़ा डिले होता था और आपका थोड़ा टाइम चला जाता था और ये काफी इरिटेट कर देता था। वैसे दोस्तों ये कोई बड़ा चेंज तो नहीं है, पर वैसे भी एंड्रॉइड क्यू में कोई बड़ा चेंज तो आ नहीं रहा, वो पुरानी चीजों को इम्प्रूव करके और पुराने सॉफ्टवेयर को और बेहतर करने की एक कोशिश है, जिसमें छोटी छोटी चीज इम्प्रूव की गई है जिससे हम इरिटेट होते थे, और कुछ नए इम्प्रूवमेंट्स भी हैं इसे और ज्यादा बेहतर और इफेक्टिव बनाने के लिए। और फिफ्थ है एक नया और ज्यादा सिंप्लीफाइड फाइल मैनेजर, और अब आपको बैटरी सेटिंग्स में कुछ और ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, जैसे अगर आपने डिस्प्ले बैटरी परसेंटेज ऑप्शन को ऑन किया हुआ है तो आपको ये उसके साथ ये भी बताएगा कि आपकी बैटरी कितनी देर में खत्म होगी। वैसे दोस्तों मुझे नहीं पता कि ये कितना सही बताएगा, पर कम से कम ये आपको एक रफ आइडिया तो दे ही देगा। और इसके अलावा अब आप होम स्क्रीन से रिमूव की गई चीजों को अंडू भी कर सकते हैं। वैसे ये कोई इतना बड़ा चेंज नहीं है, पर अगर आप कोई बड़ी चीज रिमूव कर देते हैं और आपको नहीं पता ये वापस कैसे लाना है या फिर आप परेशान होते रहेंगे उसे वापस लाने के लिए, उससे अच्छा है कि आप बस अंडू पर क्लिक कर दें और वो अपने आप वापस आ जाएगा। और एंड्रॉइड क्यू के बैकग्राउंड कोड में फोल्डेबल फोन के लिए सपोर्ट भी है, जो लगता है कि टाइम से पहले आ जाएंगे। तो अगर आपको फोल्डेबल फोन लेना है
तो आपका इंतजार जल्द ही खत्म हो जाएगा। वैसे दोस्तों सैमसंग और हुआवे ने तो फोल्डेबल फोन लॉन्च कर भी दिए हैं और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में एक डिले एनिमेशन भी ऐड किया गया है और अब आपका एंड्रॉइड क्यू में एक नेटिव स्क्रीन रिकॉर्डर भी मिलेगा। वैसे बीटा वर्जन में तो इसमें अभी काफी ज्यादा बग्स हैं तो इस बात की तो गारंटी नहीं है कि ये फाइनल वर्जन तक पहुंचेगा या नहीं, पर ठीक है कम से कम फीचर तो ऐड किया। तो अगर आप इसे यूज करना चाहते हैं आप सेटिंग्स में जाकर सिस्टम में एडवांस टैब देन डेवलपर ऑप्शन और इसमें आपको फीचर फ्लैग ऑप्शन मिलेगा और उसके अंदर एनेबल स्क्रीन रिकॉर्डर ऑप्शन मिल जाएगा। इस ऑप्शन को एक्टिवेट करने के बाद अगर आपको स्क्रीन रिकॉर्ड करनी है तो पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करिए, उसके बाद स्क्रीनशॉट बटन को लॉन्ग प्रेस करिए और उसके बाद ये आपको स्क्रीन रिकॉर्ड स्टार्ट करने का ऑप्शन देगा विद और विदाउट ऑडियो। हाँ दोस्तों मुझे पता है कि काफी लंबा प्रोसेस है पर उम्मीद है कि इसके फाइनल वर्जन में इसका कोई शॉर्ट तरीका मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थे एंड्रॉइड क्यू के ज्यादातर सभी चेंजेस और मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि ये कोई ज्यादा बड़े चेंजेस नहीं है और अगर मैं एंड्रॉइड पाई और एंड्रॉइड क्यू वाले फोन्स को साथ में रख के चलाऊं तो आप में से ज्यादातर लोग डिफरेंस भी नहीं बता पाएंगे जब तक कि मैं ये ना बताऊं कि एंड्रॉइड क्यू कौन सा है और एंड्रॉइड पी कौन सा। और अभी ये भी कोई नहीं जानता कि एंड्रॉइड क्यू पिक्सल के अलावा बाकी फोन्स पर कब आएगा क्योंकि ज्यादातर फ्लैगशिप फोन पर अभी एंड्रॉइड पाई के अपडेट्स ही चल रहे हैं और हमें अभी ये भी नहीं पता कि एंड्रॉइड क्यू में क्यू का मतलब क्या होगा। तो अगर आपके पास कोई सजेशन है तो कमेंट करिए। तो दोस्तों ये थे एंड्रॉइड क्यू के फीचर, ये सारे फीचर्स तो नहीं है पर ज्यादातर बड़े बड़े चेंजेस सभी हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो मुझे कमेंट करके बताइए। तो अगर आपने अब यहाँ तक देख ही लिया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे वो रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।